तो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। क्योंकि मैंने अभी भी फूड लिया है तो थोड़ा सा गला जो है इन्फ्लेमेशन हो रहा है। बट फूड में कुछ और डिफिनीशन रह गई थी, उसी डिफिनीशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला उसमें आता है फंक्शनल फूड। व्हाट इज फंक्शनल फूड? तो टॉपिक जो चल रहा है, इस कोर्स का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। उसमें जो था, व्हाट इज फंक्शनल फूड? ठीक है, फूड तो कई तरह के होते हैं। फंक्शनल फूड क्या होता है? व्हाट इज फंक्शनल फूड? ठीक है, द फूड प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड द न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन। द फूड प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड द न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन। मतलब कि न्यूट्रिएंट तो दे ही दे रहा है, बट वो कुछ हेल्थ बेनिफिट भी दे रहा है। जैसे कि कुछ ऐसा फूड ले ले जिससे कि हमारा न्यूट्रिएंट्स तो दे ही दे, लेकिन कुछ जो है जैसे कि वो ओबेसिटी को कम करे, मोटापे को कम करे, इस तरह का फूड। लाइक ऐसा फूड खाएं तो न्यूट्रिशन भी दे बट वो जो मोटापा हो रहा है उसको भी कम करे। तो न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन हो गया ना। तो मतलब जो हमारे हमारी जो हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, हमारी हेल्थ को मेंटेन कर रहा है, उसको बोलते हैं फंक्शनल फूड। द फूड प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बियॉन्ड न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शनल फूड। दिस इज नॉन एज फंक्शनल फूड। आने वाला समय जो है, इस तो फूड टाइप के जो कोर्सेज हो रहे हैं, इसमें बड़ा बूम आने वाला है। क्योंकि आने वाला जो समय है, फूड का बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि लाइफ में। एटलीस्ट फूड जो है एक तरह से मेडिसिन का भी काम करेगा। ठीक है, ऐसे फूड होंगे जो मेडिसिन के फॉर्म में ले जाएंगे, वो मतलब फूड विद मेडिसिन। तो घर में भी, तो हमारा घर में तो किचन है ही है, किचन मेडिकल स्टोर तो है ही हमारा। तो किचन इज जस्ट लाइक मेडिकल स्टोर इन एवरी किसी भी पर्सन का अगर घर होता है, हाउस होता है, उसमें किचन मेडिसिन होता है। तो किचन में जो बनता है वही आपके हेल्थ में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनल फूड। उसके बाद आता है कन्वीनियंट फूड। कन्वीनियंट मतलब जो आपकी सुविधा के अनुसार जो फूड हो जाए, मिल जाए, उसको बोलेंगे कन्वीनियंट फूड। नेक्स्ट आता है कन्वीनियंट फूड। कन्वीनियंट फूड क्या होता है? व्हाट इज कन्वीनियंट फूड? ठीक है, कन्वीनियंट फूड जो होता है, बेसिकली कन्वीनियंट फूड जो है टिपिकली टिपिकल कंप्लीट मील होता है। दिस इज अ कंप्लीट मील, कंप्लीट मील। जो कंप्लीट मील होता है, एक कंप्लीट जो डाइट होता है, दैट इज कन्वीनियंट फूड होता है। और वो बेसिकली जो होता है रेडीमेड प्रिपेयर्ड फूड होता है, प्री प्रिपेयर्ड कमर्शियली अवेलेबल फूड। रेडीमेड जैसे रेडीमेड होता है, रेडीमेड रेडीमेड प्री प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली अवेलेबल। ठीक है, रेडीमेड प्री प्रिपेयर्ड, पहले से रेडीमेड हुआ है। जैसे कि आजकल देखिए, हो गए इडली उडली बनाने के लिए मार्केट में जो उसका जो बैटर होता है, वो मार्केट में इडली उडली बनाने के लिए मिलता है, ले आइए तुरंत बनाइए। तो यू कैन से दैट पार्शली प्रिपेयर्ड बोल सकते हैं, या कंप्लीटली प्रिपेयर्ड जो फूड मार्केट में अवेलेबल है, ले आके उसको हल्का सा उसको बना के उसको यूज कर सकते हैं, उसको
कन्वेनियंट फूड बोलते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है और कंज्यूमर को प्रिपरेशन करने की देर इज नो रिक्वायरमेंट, या वी कैन से द मिनिमम 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 रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन बाय कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेनियंट फूड और फंक्शनल फूड हमने बताई दिया था। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है, व्हाट इज फूड साइंस। अगर डिफिनीशन पूछा जाए कि फूड साइंस क्या होता है, व्हाट इज फूड साइंस, ठीक है, फूड साइंस, व्हाट इज अ फूड साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फूड इज नोन एज फूड साइंस। ठीक है, तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आपको आप उतार लीजिए इसको। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फूड इज नोन एज फूड साइंस। ठीक है, मतलब कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो फूड की होती हैं, जैसे कि कोई फूड है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उस फूड की डेंसिटी क्या है, उस फूड का कंसंट्रेशन क्या है, उस फूड में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वेट क्या है। ठीक है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। केमिकल, किस तरह का फूड, उसमें कौन सा केमिकल है, कौन से केमिकल स्पीसीज उसमें प्रेजेंट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है कि नहीं है, विटामिन मिनरल्स की मात्रा कितनी है उसमें, ये सभी चीजें जो होती हैं वो दैट इस टाइप की जो जो चीजें होती हैं वो फूड साइंस में आता है। फूड साइंस तरह तरह के दुनिया भर के जर्नल्स भी हैं, फूड केमिस्ट्री, फूड साइंस करके इस तरह के तरह तरह के जर्नल्स हैं जो कि फूड से रिलेटेड जो जो चीजें होती हैं उनको वो लोग पब्लिश करते हैं। फूड से रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क होता है उसको पब्लिश करते हैं। तो फूड साइंस में कह रहा था कि फूड साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्रॉड प्रस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ फूड रिलेटेड कोर्सेज। तो फूड साइंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद जो आता है, इस बार नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, दैट इज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिएंट्स आएगा। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, जस्ट इट्स लाइक ए वेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, उसमें आपको बस थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन हम बताएंगे, आगे काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर द बेसिकली केमिकल कंपाउंड, द केमिकल कंपाउंड्स इन द फूड, केमिकल कंपाउंड्स इन फूड। ठीक है, जो भी केमिकल कंपाउंड्स फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो द न्यूट्रिएंट्स इज कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट्स। पहला है, फर्स्ट वन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है, अकॉर्डिंग टू सम अदर देखेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा है माइक्रो
न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो को मैं बेसिकली अगर देखा जाए मैक्रो को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ द फूड बोलते हैं, दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आल्सो नोन एज प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। जैसा कि एग्जांपल है, क्या इसमें आता है एग्जांपल में, प्रोटीन, ठीक है, हाँ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ठीक है, एंड फैट। ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड इसको बोलते हैं। कौन कौन से हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट आर द प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। और दूसरा होता है प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल, इट्स आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड इसका एग्जांपल है जैसे कि विटामिन्स, ठीक है, तब तक विटामिन्स में पढ़ाऊंगा आगे चल के। विटामिन्स हाउ मेनी टाइप्स, टू कैटेगरीज ऑफ विटामिन्स होती है, विटामिन एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सॉल्युबल क्या, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ये सब जो है जैसे पढ़ना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब क्या है, दैट इज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज़ दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस और डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ इलनेस जो होता है उससे बचने के लिए ये सब का यूज करते हैं या फूड में लेते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो इसके आगे में डिटेल बताएंगे। तो ये दिस इज द न्यूट्रिएंट्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स के बारे में हो गया।